अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शरीफ खान। आप सब लोगों को अपने वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं खान स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.khanstudiopk.com। विजिट कीजिए इस वेबसाइट का और इस वेबसाइट से नो कॉपीराइट फ्री डाटा डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर जानते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं अब ट्यूटोरियल्स नहीं बनाऊंगा। दोस्तों आज मैं ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। उसकी वजह है एक वॉइस। इस वॉइस की वजह से मैं अपना काम दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, ट्यूटोरियल्स बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों अब जो मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा इसमें मुझे ना सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ना मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है, ना मुझे लाइक्स की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इन चार पांच दोस्तों की वजह से ये काम स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे चैनल पर ऐसे चार पांच दोस्त मौजूद हैं जो मेरे वीडियोस देखकर काम सीखते हैं और अपना घर बैठे रोजगार कर रहे हैं। दोस्तों अगर कोई दोस्त लाइक करेगा तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी भी मेहरबानी। दोस्तों वो वॉइस कौन सी है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों ये वॉइस मुझे आज रात को व्हाट्सएप पे आई है, जिसको मैंने सेहरी के टाइम सुना था और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, जवाब भी दिया था। और मैंने उस वॉइस को सुन के ये फैसला किया है कि मेरे चैनल पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उन लोगों के लिए अपना काम दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस दोस्त को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, पहले मैं इस सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करता था, लेकिन अब मैं इस सॉफ्टवेयर पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। पहले तो मैं देखता हूं मेरे किसी इक्विपमेंट के साथ अगर इसका लिंक मुझे मिला है रैपर का तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, क्योंकि जब ट्यूटोरियल्स बनाने होते हैं तो वो लीगल सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है, इलीगल पर क्रैक पर ट्यूटोरियल्स नहीं बनते। मैं देखता हूँ अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो उस पर मैं काम करूँगा, अगर मुझे लिंक नहीं मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ इसको लीगली बाय करने की। लीगली बाय करके मैं इस पर ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा। वॉइस शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी चैनल पर मौजूद होते हैं जो कहते हैं कि ये वॉइस है भी या नहीं है। वो ये समझेंगे शायद वॉइस है भी या नहीं है, अपनी तरफ से कह रहा है, इसलिए मैं वॉइस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इन भाई का मैं कॉन्टैक्ट हाइड रखूँगा और इनका नाम भी और इनकी प्लेस भी मैं हाइड रखूँगा, सिर्फ आप वॉइस सुने। तो चलें दोस्तों व्हाट्सएप ओपन करते हैं। ये रहा हमारे पास व्हाट्सएप और ये हैं जी हमारे पास जो वॉइस है ये है। 70%। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, मैं टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और रीपर ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा एक्सेसिबल है। जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है उसे रीपर को अच्छे से वो पढ़ लेता है, तो जो एफएल स्टूडियोज़ वगैरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रीपर में भी काम कर जाते हैं, प्लगइन्स वगैरह जो है। लेकिन हम लोग जो है वो कीबोर्ड पर काम करते हैं, माउस से नहीं कर पाते। आपके वीडियोस मेरे लिए बड़े मालूमाती होते हैं, सुन के उसे उसमें बड़ा नॉलेज मिलता है मुझे। तो कई चैनल में यूट्यूब पे चला रहा हूँ, सबरंग, यूनिक कराओके, हुस्ने गज़ल, सबरस, रस रंजनी, इंटरनेशनल टैलेंट हंट, जिसमें से कोई भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, केवल एक ही चैनल सबरंग जो है वो यूट्यूब के सारे शराइत पूरे कर चुका है, लेकिन कुछ क्लेम वीडियोस उसमें थे जिस वजह से वो मोनेटाइज नहीं हो पाया अभी तक, जिसमें से कुछ वीडियो मैंने अभी हटा दिए हैं। आज आपका एक वीडियो मैं भी सुन रहा था, तो उसमें आपने फरमाया कि यूट्यूब लिंक देने से मना करता है, जबकि मैं अपने हर वीडियो पर अपने चैनल्स की लिंक डालता हूँ, अपने ऐप की प्ले स्टोर की लिंक डालता हूँ और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डालता हूँ। तो क्या ये सही है नहीं है, थोड़ा सा इसके लिए मेरी रहनुमाई करें। और आपके खान स्टूडियो से भी मैंने बहुत सारा डाटा डाउनलोड किया है, पहले तो वो खुलती नहीं थी मुझसे, लेकिन अब माशाल्लाह करती है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू अच्छे से काम कर रही है वो।
काफ़ी कुछ आपने, बहुत कुछ म्यूज़िक लवर्स के लिए आपने इकट्ठा उसमें जमा किया है नॉन कॉपीराइट मटेरियल्स। अगर उसमें कोई वीएसपी प्लगइन्स हो तो उसका लिंक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फ्री वाले जो वीएसपी प्लगइन्स जो होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपने बहुत काम किया है इस म्यूज़िक लवर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो इस रमज़ान के बाबरकत महीने की फजीलत से मेरी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। 10 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके वीडियो सुन के, और आपकी फाइलें भी डाउनलोड करता हूँ मैं, नात के बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, क्योंकि मैं इतना एडिटिंग जानता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता, क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है, कीबोर्ड पर उतना ही हम कर सकते हैं जो जितना कर सकते हैं। तो वोकल रिड्यूस करके ट्रैक वगैरह बना लेता हूँ, फीमेल वॉइस मेल वॉइस मिक्सअप मिक्सिंग वगैरह करना ये भी कर लेता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन बेशतर चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। जो जो माउस से होती है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। पहले ऑडोसिटी, एडोबी ऑडिशन 1.5, गोल्ड वेव ये चलाता था, लेकिन जब से रीपर आया है तब से एडिटिंग बहुत इजी हो गई है मेरे लिए, क्योंकि उसमें सारे शॉर्टकट्स इतने अच्छे से दिए हुए हैं कि मज़ा आ जाता है। हालांकि एफएल स्टूडियो क्यूबेक्स ये हमारे स्क्रीन रीडर सपोर्ट नहीं करते, तो ये कुछ पता ही नहीं चलता इसमें क्या है क्या नहीं है, कीबोर्ड पर इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल मेरा मैसेज लंबा हो गया है, जब भी वक्त मिले आपको तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो वॉइस नोट में या टेक्स्ट मैसेज में। और यूएसबी अगर आपने अपलोड किए हो अपनी वेबसाइट पर या जिस भी आपको पता हो फ्री प्लगइन्स, तो मुझे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपने वॉइस सुन ली होगी। दोस्तों, इन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पर जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, इनको सपोर्ट करें। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।